फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, इन दिनों प्रदेश में डेंगू का डंक डरा रहा है। मौसमी बीमारियों में डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इन दिनों काफ़ी तेजी दिखाई दी है। इस समय डेंगू का स्ट्रेन D2 खास तौर पर सक्रिय है, जो घातक और जानलेवा बना हुआ है। कोटा में जहां बड़ी तादाद में डेंगू के पेशेंट यानी मरीज की संख्या देखने को मिली है, तो वहीं जयपुर में भी इसी स्ट्रेन के सामने मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे मौजूदा स्थिति। मौसम के करवट लेने के साथ ही अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनमें भी सबसे बड़ी चिंताजनक बात डेंगू के पॉजिटिव केसेस की है। मच्छरों के डंक से फैलने वाला डेंगू इन दिनों लोगों को डरा रहा है। प्रदेश में डेंगू का स्ट्रेन D2 एक्टिव है। कोटा में जहां डेंगू पॉजिटिव के मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और इससे हुई मौतें भी चिंताजनक बनी हुई हैं, वहीं अब राजधानी जयपुर में डेंगू का यही स्ट्रेन सक्रिय नजर आ रहा है। SMS हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों की OPD करीब 1500 को पार कर जा रही है। 150 से 250 सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें 20 से 25 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जबकि स्क्रब टाइफस 10 से 15 केस, चिकनगुनिया के 5 से 10 केस और लेप्टोस्पायरोसिस के 1 से 2 केस दर्ज किए गए हैं। डेंगू के केसेस के बारे में आम लोगों में बहुत जागरूकता आई है और पेरीफ्री में भी इसका अच्छा इलाज होने लग गया। केसेस रेफर होने के बाद या तो सीवियर केसेस होते हैं और केसेस होते हैं तो ये अपनी OPD में जैसे रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। फिर भी लोगों को इस वाले मौसम में बारिश में अपने आसपास के जहां पानी का ठहराव की स्थिति है, मॉर्निंग टाइम में जैसे अपने सबको आजकल आपके चैनल्स के माध्यम से सब जगह पता है कि डेंगू के मच्छर ज़्यादातर दिन में काटते हैं, लाइट में मॉर्निंग टाइम ज़्यादा होता है, तो पार्क वगैरह जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। मेडिकल कॉलेज जयपुर की जांच के डेंगू के घातक स्ट्रेन D2 की मोर्टेलिटी रेट बाकी स्ट्रेन से ज्यादा बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों स्ट्रेन में D2 सबसे घातक होता है। बाकी तीनों स्ट्रेन से होने वाला फीवर सामान्य डेंगू फीवर होता है, कॉम्प्लिकेशन दर कम होता है। D2 स्ट्रेन में कॉम्प्लिकेशन की दर ज्यादा होती है। अन्य स्ट्रेन के तुलना में डेंगू का D2 स्ट्रेन तेजी से फैलता है, प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। बारिश के बाद जो है ये मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और मच्छर से जनित जो बीमारियां हैं वो भी काफी फैलने लगती हैं। तो जैसे हर साल होता है, इस बार भी जुलाई अगस्त में जो है हमने देखा है कि डेंगू के काफी केसेस आ रहे हैं। हमारे पास सैंपल जो है 150 से 250 के करीब सैंपल पर डे आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है जुलाई अगस्त में हमने देखा बढ़ रहा है। जुलाई अगस्त में हमारी 150 से 250 सैंपल्स पर डे आ रहे हैं और उसमें परसेंट पॉजिटिविटी अगर हम देखें डेंगू की तो करीब 11-12% पॉजिटिविटी थी, और सितंबर के जो अब आए हैं केसेस जो अब उनमें और पॉजिटिविटी बढ़ गई, अब करीब 15-16% पॉजिटिविटी आ रही है। बहरहाल न सिर्फ कोटा में बल्कि जयपुर समेत कई जिलों में इस समय डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ डेंगू को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छरों के काटने से खुद को बचाना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल और घरों के नजदीक में पानी जमा होने से रोकने के उपाय भी करने चाहिए ताकि मच्छरों की बढ़ोतरी नहीं हो। हालांकि इन सब के बाद भी बुखार या जांच में संक्रमित होने पर तुरंत डॉक्टरों से इलाज लेना चाहिए। सचिन शर्मा, Zee Media, जयपुर।